यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है हमें मोड सिलेक्टर, मोड सिलेक्टर में सबसे पहले हम जो है मोड सिलेक्ट करेंगे, एडिट मोड हम जो है सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा एडिट मोड आ गया। यहां पर स्क्रीन पर देखो ये जो है एडिट मोड हमारा आ चुका है। ठीक है, अब एडिट मोड के अंदर सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम आती है कि हमें प्रोग्राम सर्च करना है, तो सबसे पहले हम प्रोग्राम की, ये जो प्रोग्राम की है इसको हम प्रेस करेंगे और यहां पर देख सकते हैं प्रोग्राम की पूरी डायरेक्टरी जो है इसमें ओपन हो गई। अब मुझे इसमें से कोई भी एक प्रोग्राम सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए O0008 आठ नंबर का प्रोग्राम मुझे सर्च करना है, तो मैंने यहां पर टाइप कर दिया है। देखिए आठ नंबर मैंने जो है यहां पर टाइप कर दिया है। अब यहां पर मैं डाउन एरो की, ये डाउन एरो की है, इसको मैं प्रेस करूंगा तो हमारा प्रोग्राम जो है आठ नंबर का देखिए सर्च हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं यहां पर आठ नंबर प्रोग्राम हमारा आ गया। अब इस प्रोग्राम को ओपन करने के लिए जो है मैं सबसे पहले जो है ये जो इनपुट की है, ठीक है, इस इनपुट की को प्रेस करूंगा और ये देखिए मेरा आठ नंबर का प्रोग्राम जो है ओपन हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं आठ नंबर का प्रोग्राम हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, अब इसी विंडो में अगर मैं चाहता हूं कि कोई दूसरा प्रोग्राम ओपन करना है तो वो भी हम इसमें ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है OIMF का लेटेस्ट कंट्रोलर है, इसमें हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको दूसरा प्रोग्राम ओपन करके दिखाऊंगा। इसके लिए क्या करना है, आपको यहां पर देख सकते हैं ये फोल्डर वाला जो बटन है, इस फोल्डर वाले बटन पर आपको प्रेस करना है, प्रोग्राम की डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। अब आपको जो है प्रोग्राम नंबर सर्च करना है O1251 1251 नंबर का जो है प्रोग्राम मैंने कहीं से भी सर्च किया, रैंडमली मैंने सर्च किया डाउन एरो की से। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउन एरो की ये जो है, इसको मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सर्च हो जाएगा। ये देखिए O1251, ये देखिए यहाँ पर 1251 नंबर का जो प्रोग्राम है वो सर्च होके आ गया। यहाँ पर येल्लो लाइन जो है आपकी आ रही है, इसका मतलब है कि 1251 नंबर का जो प्रोग्राम है वो हमारा सर्च हो गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को मुझे ओपन करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो है इनपुट की, ये इनपुट की जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, ये देखिए जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1251 नंबर का जो है ये प्रोग्राम मेरा यहाँ पर ओपन हो गया और 8 नंबर का प्रोग्राम मेरा यहाँ पर ओपन हो गया। तो दो प्रोग्राम को मैंने एट ए टाइम ओपन कर लिया। अब अगर आपको लगता है कि मैं जो है एक प्रोग्राम और ओपन करना चाहता हूँ, वो भी आप यहाँ पर जो है ओपन कर सकते हैं। इसका क्या सिस्टम है वो मैं आपको बताता हूँ। आप डायरेक्ट जाइए यहाँ पर जो फोल्डर बटन है इसको प्रेस करिए। अब यहाँ पर आपको जैसे समझ रैंडमली सर्च करना है कि 1252 नंबर का सर्च करना है, O1252 ये जो है प्रोग्राम हमने जो है टाइप कर दिया O1252। उसके बाद जो है आप देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं डाउन एरो की ये वाला जो है प्रेस करूँगा तो ये जो है प्रोग्राम सर्च करेगा। ये देखिए 1252 नंबर का प्रोग्राम यहाँ पर इसने सर्च कर लिया, येलो की जो है लाइन आ रही है ये सिलेक्टेड। अब मैं जो है यहाँ पर इनपुट की, ये वाला जो इनपुट बटन है इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये देखिए एक तो 8 नंबर का प्रोग्राम ओपन हो गया, 1251 नंबर का प्रोग्राम ओपन हो गया और 1252 नंबर का प्रोग्राम ओपन हो गया।